दोस्तों, आज मैं एक बजाज कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ, देखा तो क्या कुछ है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बाहर से इसका। तो यहाँ पर इसका लेबल लगा हुआ है और इसका साइड से एक बार दिखा देता हूँ बॉक्स का। यहाँ पर इसका कुछ लिखा है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड आरपीएम का इसका मोटर है, देखिए। और इसका 500 वाट का ये है, स्टेनलेस स्टील का जो जार वगैरह इसके अंदर है वो स्टेनलेस स्टील का है। यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ है यहाँ पर बाहर से, यहाँ इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसको बाद में देखता हूँ। और यहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 साल का वारंटी है और इसका 5 साल का वारंटी इसका मोटर का है। तो मोटर का 5 साल का वारंटी और इसका जो इस मिक्सर ग्राइंडर का जो वारंटी है वो 2 साल का वारंटी है। और इसका जब देखिए यहाँ पर फुल कॉपर, इसका जो मोटर है फुल कॉपर कॉपर का है। तो इस साइड से एक बार दिखा देता हूँ, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इसको खोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं खोल लिया और इसमें बहुत सारा आइटम इसके अंदर है। तो चलिए एक एक करके मैं निकालता हूँ। ये एक छोटा सा जार है, इसे देख सकते हैं। इसको साइड में रखता हूँ। जैसे और एक जार निकला, थोड़ा बड़ा साइज का है। और एक निकला, ये थोड़ा और भी बड़ा साइज का है। इसका जो कवर है ये जार का, एक दो यहाँ पर और एक है, टोटल 3 हो गया। और ये एक प्लास्टिक का नाइफ दिया है। फाइनली ये मिक्सर ग्राइंडर, ये देख सकते हैं। इसको निकलता हूँ। तो इतना सामान इसके अंदर था, तो अभी एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ है। तो सबसे पहले मैं इस जार को मैं दिखाता हूँ। ये जो जार है यहाँ पर देख सकते हैं, जो हैंडल है ये प्लास्टिक का है और ये मेटल का है, मतलब स्टेनलेस स्टील का है। और
और काफ़ी बड़ा है। और ये इसका इसका जो क्वांटिटी है ये मतलब 1.2 लीटर का है, ये जो जा रहा है 1.2 लीटर का है, थोड़ा बड़ा टाइप साइज का है। और ये भी इसका भी प्लास्टिक का हैंडल है और ये भी स्टेनलेस स्टील का है और एक पीछे का थोड़ा कवर है और ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है। और इसका जो क्वांटिटी है, इसका क्वांटिटी ये 1 लीटर का है और एक छोटा वाला दिया है, मतलब जो भी मसाला वगैरह पीसने पीसने के लिए ये छोटा दिया है। इसका अंदर का जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, और पीछे का प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक। और इसका जो क्वांटिटी है ये 0.3 लीटर का है, छोटा है, बहुत छोटा है। और एक ये नाइफ है, ये प्लास्टिक का नाइफ, कोई भी मतलब इसमें से मसाला वगैरह कोई भी सामान इसको अच्छे से निकालने के लिए ये दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। और ये जो कवर है, ये मतलब इसमें लगाने के लिए, जैसे कि देख सकते हैं ये प्लास्टिक का है कवर, और ये साइड से रबर भी दिया गया है जैसे अच्छे से इसको कवर होने के लिए, थोड़ा भी लीकेज नहीं होने के लिए, पानी वगैरह कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसके साइड से ये दिया गया रबर। तो फाइनली अभी मैं इसके बारे में इसको दिखाने जा रहा हूँ, जो मिक्सर ग्राइंडर है ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये बजाज कंपनी के यहाँ पर लिखा है लेवल, और यहाँ भी लिखा है फाइव इयर्स मोटर वारंटी का, इसमें 5 साल का मोटर का वारंटी है और फ्री होम सर्विस यहाँ पर लिखा है, और 100% कॉपर मोटर यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर एक स्विच दिया गया है रेगुलेटर के जैसा, जैसे कि देख सकते हैं, या ये ऑफ है, यहाँ पर दूर से देखा था तो आपका समझ में आएगा, ये ऑफ है एक नंबर है, लो मतलब स्पीड का, ये थोड़ा हाई है, और ये फुल स्पीड है, तीन यहाँ पर दिया गया है। और ये पीछे का जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा जले जले दिया गया है, और ये जो है ये अच्छा दिया है, इसमें जो ये चारों जो स्टैंड है ये रबर का है, अच्छे से ग्रिप करने के लिए, ये मतलब जिधर भी रखेगा वो मतलब उधर मतलब स्टिक होने के लिए, ज़्यादा हिलेगा नहीं, इसलिए ये रबर का दिया गया है यहाँ पर चारों। और यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं, और यह इसका जो ऊपर है यहाँ पर, ये देखिए ये प्लास्टिक का है, या जो मोटर का जो जहाँ पर वो रखने के लिए इसको, ये देखिए ऐसे इसको ऐसे रखना है इसको। ये जो है ये जो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर हुआ है, ये यहाँ पर जो गैप है इसके अंदर से डालना है, ऐसा निकलना है। और इसका जो वायर है, काफी बड़ा वायर इसमें दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये शायद 1, 2, 3, 3.5 फुट होएगा इसमें। तो चलिए इसको मैं चला के एक बार दिखा देता हूँ इस मिक्सर ग्राइंडर को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा इसका कंडीशन है। तो इसको अभी इलेक्ट्रिक में यहाँ पर दे रहा हूँ, और इसका स्विच दिया है, और इसको मैं इसके अंदर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं स्विच दे रहा हूँ, तो फिर देख सकता है ये स्टार्ट हो गया,
तीन स्पीड में एक बार फुल स्पीड में देता हूँ, देखता हूँ कितना स्पीड से घूमता है। एक नंबर, दो, तीन नंबर स्पीड है, पर बहुत स्पीड है। अरे ऑफ हो गए, तो मतलब इसका जो स्पीड है वो बहुत ही तेज है। तो अगर इसका प्राइस का बात किया जाए तो इसका जो प्राइस है ओरिजिनल वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। इसका जो प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीन हजार 690 रुपये, इसका जो ओरिजिनल जो प्राइस है 3690 रुपये, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट में मिला 2500 रुपये में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को।